क्या यूपी में बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी कांग्रेस? आखिर यूपी में कितना सफल होगा प्रियंका का दलित दाव? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूर्वी यूपी की कमान संभालते ही अपने मिशन में जुट गई हैं। वो न सिर्फ लगातार इलाकों का दौरा कर रही हैं, बल्कि विरोधियों खासकर मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में भी जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर से मुलाकात की थी, लेकिन उनकी ये कोशिशें परवान चढ़ती नहीं दिखाई दे रही। दरअसल प्रियंका गांधी का दलित वोट साधने का फॉर्मूला वेस्ट यूपी में कमजोर होता दिख रहा है। यही नहीं, दलितों को जोड़ने वाला प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चंद्रशेखर से मुलाकात वाला दांव भी सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद चंद्रशेखर का रुख कांग्रेस की तरफ सख्त और गठबंधन की तरफ नर्म दिख रहा है। माना जा रहा है कि प्रियंका का दलितों को जोड़कर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मात देने का दांव सही नहीं लग पाया है। इतने नहीं, वेस्ट यूपी के प्रभारी सिंधिया की कम सक्रियता और वर्करों से जुड़ाव नहीं होने का खामियाजा सीधे तौर पर चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पार्टी संगठन से जुड़े वर्करों को राहुल गांधी तो दूर, सिंधिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सह प्रभारियों को माध्यम बनाना पड़ रहा है। असल में प्रियंका चाहती है कि 3 दशक पहले वाली कांग्रेस की जमीन यूपी में तैयार हो। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम और दलितों को साधने की रणनीति बनाई, लेकिन दलितों पर माया का असर और मुस्लिमों पर माया अखिलेश की पकड़ कांग्रेस के प्लान के मुताबिक मुश्किल बन रहे हैं। सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर से मिलकर दलितों को ये जताने की कोशिश की गई कि उनकी हमदर्द कांग्रेस है, दलित साथ होंगे तो बीजेपी को कांग्रेस ही पराजित कर सकती है। हालांकि खुद चंद्रशेखर के रुख में प्रियंका के लिए नरमी तो दिखी, लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी भी सख्ती है। खबरों की माने तो चंद्रशेखर से मुलाकात करने को लेकर मायावती प्रियंका गांधी से खासा नाराज हैं। बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो ने कांग्रेस को ये संदेश भिजवा दिया कि अगर उसने बीएसपी के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की तो उसे इसका खामियाजा अमेठी और रायबरेली में भुगतना पड़ सकता है। सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि मायावती के रुख से भी कांग्रेस के तेवर ढीले पड़े हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में कांग्रेस का दलित दांव फिलहाल फेल होता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।